हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे घर में। आई नो सबका बाहर जाकर घूमने का मन करता है, मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ बाहर जाकर घूम सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमें घर पे ही इंजॉय करना है। तो ये जो क्लिप है वो कल की है, तो हमने थोड़े बहुत प्लांटिंग की थी कल मेरे हस्बैंड ने, तो हमारे पास जो भी सीड्स वगैरह घर पर अवेलेबल थे वो हमने प्लांट किए हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, हरी मिर्ची, मेथी, धनिया, ये सब हमने लगाए हैं। तो जब ये थोड़े थोड़े से पौधे से बन जाएंगे तो हम इनको बैकयार्ड में लगा देंगे, क्यारियाँ वगैरह बनाकर लगा देंगे बाहर। तो हमारी थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी आ गई थी कॉस्को से, तो उसे अच्छी तरह से अभी मैं, जैसे दूध की गैलन्स हैं उसको अच्छी तरह से वॉश करके मैं ड्राई करके फ्रिज में लगा दूंगी। वैसे तो आप इनको डिसइंफेक्टेंट वाइप्स के साथ भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं तो मैंने अभी ऑर्डर करूंगी। मैं कॉस्को से ऑर्डर करना भूल गई हूँ, तो जब नेक्स्ट टाइम हम शॉपिंग करेंगे तो मैं ज़रूर ऑर्डर कर दूंगी। तो फ़िलहाल तो मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, तो अभी इनको ड्राई करके मैं फ्रिज में लगा दूंगी। और जिस स्पंज के साथ मैंने गैलन्स को वॉश किया है अब मैं उसे भी क्लीन करूंगी। थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून विनेगर, और जो स्पंज है उसके अंदर डिप कर दीजिए। कोई भी हैवी चीज़ रख दीजिए स्पंज के ऊपर जिसके साथ वो अच्छी तरह से डूब जाए पानी के अंदर। तो मैं इसके ऊपर रख दूंगी पेपर वेट, जो कि मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं वो उसके ऊपर रख दूंगी। तो अभी इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी 1.5 घंटे के लिए। अब तो जब भी ग्रोसरी आती है तो इतना बड़ा काम लगता है ग्रोसरी को लगाना उसकी जगह पर, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन तो लेनी ही चाहिए। तो अब मैं अच्छी तरह से इनको ड्राई कर दूंगी और फ्रिज में रखूंगी। वैसे मैं भूल गई थी, जो मेरी स्टील वूल है ना, जिससे बर्तन वगैरह हम लोग अच्छी तरह से घिस कर साफ़ करते हैं, वो भी मुझे क्लीन करनी थी, लेकिन मैं भूल गई हूँ। तो बाद में मैंने उसे भी अच्छी तरह क्लीन किया, क्योंकि मैंने स्पंज को उसके ऊपर रख दिया था। तो अभी मैं एक बर्तन में पानी ले रही हूँ गर्म, तो उसके अंदर डालूंगी अपने बनानास और थोड़ा सा विनेगर डाल दूंगी उसके अंदर, तो बनानास भी अच्छी तरह डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। अब तो मुझे याद भी नहीं है हम लोग लास्ट टाइम बाहर घूमने के लिए कब गए थे। कभी कभी तो इतना मन करता है जाने के लिए बाहर, लेकिन डर लगता है, पता नहीं बिना डरे हम लोग कब बाहर जाएंगे। अब बच्चों का भी यही टाइम होता है, समर टाइम आने वाला है, यही टाइम होता है घूमने का, बाहर पार्क में जाने का। तो चलिए बैक टू द वीडियो। अभी ये ऑयल है और डिटर्जेंट है कपड़े धोने वाला, ये भी कॉस्को से मंगवाया है। फ़िलहाल थोड़ा सा मेरे पास है, तो अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं अभी गराज के अंदर ही रखूँगी। तो तब तक ये यहीं पड़ा रहेगा और एक वीक के बाद ही इसे मैं ऊपर लेकर जाऊँगी अपने लॉन्ड्री रूम में। तो ये मिट्टी है जो हम पौधों में लगाते हैं, डालते हैं, इसको भी हमने एक वीक के बाद ही यूज़ किया है। और ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हो ना, इसके अंदर लाइट्स हैं जो हम लोग लॉन में लगाते हैं ना, वो वाली, इसको भी आई थिंक 2-3 दिन हो गए हैं आए हुए, तो हम लोग इसको भी थोड़े दिन के बाद ही हम लॉन में लगाएंगे। तो और अभी हमारे बनानास भी अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट हो गए हैं, तो इसे हम अच्छी तरह से वाइप करके, ड्राई करके इसे मैं फ्रूट बास्केट में रख दूँगी। और स्पंज भी अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट हो गई है, तो वो भी मैं निकाल दूंगी पानी से। और जो बर्तन है मेरे वो ड्राई हो गए हैं, तो उनको भी उनकी जगह पर लगा दूंगी। लंच वगैरह हमारा हो गया है, वही बर्तन धोने हैं मुझे और किचन क्लीन करनी है, तो देखती हूँ छोटा मोटा काम है करने वाला किचन में वो करूँगी,
और बच्चों को पूछती हूँ अगर उन्हें कोई स्नैक वगैरह चाहिए, क्योंकि उनको तो हर आधे घंटे में भूख लग जाती है। आधे घंटे में भी कहाँ, उन्हें तो 15 मिनट में भूख लगती है। पता नहीं, जब से वो घर में रह रहे हैं ना, तो उनको मुझे कुछ ना कुछ नया नया बना कर देना पड़ता है, क्योंकि जो मैं चीज़ें उनको हर रोज़ देती हूँ तो वो तो बोर हो जाते हैं। कुकीज़ होते हैं या कोई चिप्स होते हैं, उनसे बोर हो जाते हैं, तो मुझे हर रोज़ कोई ना कोई नई नई चीज़ें बनानी पड़ती हैं उनके लिए। तो पता नहीं वो लोग स्कूल में कैसे रहते थे, क्योंकि स्कूल जब जाते हैं ना, 3 घंटे के बाद उनका लंच होता है, और लंच के 2 घंटे के बाद शायद उनको कोई स्नैक टाइम मिलता होगा। तो पता नहीं वहाँ पर कैसे वो लोग निकाल लेते हैं इतना लंबा टाइम। तो घर पे तो बहुत मुझे मुश्किल हो जाती है। देखती हूँ कोई ऑनलाइन ही कोई हेल्दी चीज़ें वगैरह मंचिंग करने के लिए उनके लिए लाकर रखती हूँ मैं। और ये जो बॉक्स है ना, मैंने आपको पहले किसी व्लॉग में दिखाया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा अभी ग्लू करना है। जो साइड सी है ना, खुली खुली सी, उनको मैं अच्छी तरह से ग्लू करके बंद कर दूंगी। तो इसमें अपना मैं शादी का चूड़ा रख दूंगी, और थोड़ी सी और बैंगल्स वगैरह हैं वो डाल दूंगी इसके अंदर, तो अच्छी तरह से यूज़ हो जाएगा ये बॉक्स। ग्लू गन से एक फ़ायदा हो जाता है कि ग्लू साथ के साथ ही सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। और बस अभी ये हमारा जो बॉक्स है नाइस एंड स्टडी हो गया है, तो हम इसे अभी अच्छी से काम में लाएंगे बॉक्स को। और चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इस बॉक्स का। और बस अभी मैं ग्लू गन को कर दूंगी अनप्लग, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, वो यूज़ करने लग जाते हैं। जब भी वो देखते हैं ना मेरे हाथ में ग्लू गन, तो उन्हें भी यूज़ करना होता है। तो अभी मैं इसको अनप्लग कर दूंगी और रख दूंगी साइड में कहीं हाइड करके, बच्चों की नज़रों से दूर। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी अपनी शादी का चूड़ा। मुझे अपनी शादी का चूड़ा बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक सभी लड़कियों को अपनी शादी का चूड़ा बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी अपनी शादी का चूड़ा बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें से ना थोड़ी सी चूड़ियाँ हैं जो मेरे इंडिया वाले घर में हैं, मेरे ससुराल में हैं, क्योंकि जब मेरे शादी हुई थी तो चूड़ा मुझे लगने लग गया था। तो इसलिए कोई रस्म होती है तो मेरी जो ननद है, तो उसने मेरे दोनों हाथों से 5-5 चूड़ियाँ निकाल दी थी, तो वो वहीं रह गई हैं। तो अभी मैं आपको पहन कर दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो। लेकिन मुझे अभी बहुत टाइट हो गया है, मुझे हंसी भी आ रही है देखकर, क्योंकि जब मैंने पहना था शादी के टाइम, वो तब ऐसा नहीं था, तभी तो मैं बहुत पतली थी, अभी तो मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। तो अभी मैंने अपनी चूड़ियों को सॉर्ट आउट करना है। तो जैसे होता है ना चूड़ियाँ, पहले जो चूड़ा होता है वो छोटी चूड़ी होती है, छोटा छोटा करके बाद में बड़ा होता है ऊपर तक, वैसे है। तो अभी मैं उनको सॉर्ट आउट करूँगी। इसको मुझे ना बिल्कुल जैसे मैंने ऐसे शादी में पहना है, ऐसे ही मुझे असेंबल करना है। तो ये मेरी शादी की पिक्चर है जो मैंने ऐसे वॉल पर लगाई हुई है। तो अभी ये वाला जो चूड़ा है, ये मेरा सेकंड वाला है, ये मेरी मदर इन लॉ ने भेजा था। मेरे जब मेरे हस्बैंड आए थे ना USA में पहली बार, तभी मेरे मदर इन लॉ ने, मेरी मम्मी ने भेजा था। ये थोड़ा सा छोटा चूड़ा था, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी मैंने संभाल कर रखा हुआ है। मैंने अपनी शादी की सारी चीज़ें हैं ना, अपने कपड़ों से लेकर अपना मेकअप का सामान, मैंने सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है, कभी मेरा मन ही नहीं करता फेंकने को। ऐसा है ना, जो भी मेरी चीज़ें हैं शादी से जुड़ी हुई, चूड़ा, कपड़े, मेकअप, जो भी है, उनसे मेरी ना मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। कभी आई थिंक सभी का ऐसा होता, सभी लड़की को ऐसा होता होगा, अपनी मेमोरीज होती होंगी कपड़ों के साथ या फिर चूड़े के साथ। तो जब भी मेरा मन करता है मैं ये सारी चीज़ें निकाल कर देख लेती हूँ और मेरी मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं, तो वो अच्छा वाला टाइम मुझे याद आ जाता है। तो देखूंगी अगर मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी, शायद वो भी पहन ले मेरे कपड़े, शायद उसे अच्छे लगे वो ड्रेसेस पहने मेरे वाली, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैंने चूड़ा सेट कर लिया है और अभी मैंने इसे रख दिया है बॉक्स के अंदर। ये मेरे दोनों चूड़े हैं और कुछ मेरे कड़े हैं, ये वाले, ये आर्टिफिशियल हैं, गोल्ड नहीं हैं। तो ये भी मैं इसके अंदर रख दूँगी अच्छे से सेट करके।
देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, कमेंट करके बताना मुझे। तो चलिए अभी ये काम हो गया है, तो अभी मैं शावर लूँगी और जाऊँगी नीचे, चाय बनाने का टाइम हो गया है। तो अब मैं बना रही हूँ चाय और थोड़ा बहुत रेडी होकर आ गई हूँ मैं नीचे। तो चाय बना रही हूँ मैं अदरक वाली, आजकल हम अदरक वाली चाय बनाते हैं। तो साथ में थोड़ा बहुत स्नैक बनाने वाली हूँ मैं बच्चों के लिए। तो पिज़्ज़ा बाइट्स हैं मेरे पास फ्रोज़न, तो उनको मैं कर लूँगी बेक। आज ना मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, वो बोल रहा था उसका गला दर्द कर रहा है। तो आजकल तो पता ही है गला दर्द कर रहा है तो सभी घबरा जाते हैं, तो मैं भी घबरा गई। तो सभी मदर्स ही ऐसी होती हैं, अपने बच्चे की थोड़ी सी भी उनको चोट लगती है तो वो घबरा जाती हैं। तो मुझे भी थोड़ा डर लगने लग गया, लेकिन उसको हमने दवाई दी तो वो अभी ठीक हो गया है। तो लेकिन क्या करें, अभी पता नहीं ये ठीक कब होगा कोरोना वायरस, उसकी वजह से तो छोटी छोटी चीज़ों में डर लगता है। और मेरा ट्रैश कैन भी भर गया है, तो इसको निकाल कर आती हूँ, बाहर रख कर आती हूँ और नया बैग लगा दूँगी। और हमारा जो रिसाइकल वगैरह या गारबेज वगैरह रखने वाला है ना, वो बाहर है। सर्दियों में तो हम लोग गैराज में रख देते हैं, और लेकिन जब स्प्रिंग वगैरह आ जाती है तो हम लोग सारा कुछ बाहर रख देते हैं बैकयार्ड में। तो क्योंकि जब गर्मी में गैराज के अंदर का होता है तो वहाँ से बहुत स्मेल आने लग जाती है। तो अभी थोड़ा सा वेदर ठीक हो गया है तो हमने बाहर रख दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ हैंड वॉश करने के लिए, अच्छी तरह से हैंड वॉश करके आऊँगी। और मेरी चाय भी बन गई है, और मैं चाय के लिए टी बैग यूज़ करती हूँ। मुझे जो खुली वाली चाय पत्ती होती है ना, मुझे वो यूज़ करनी नहीं आती है, मैंने कभी भी यूज़ नहीं की है तो मुझे नहीं आती वो यूज़ करना। तो मैं अभी यहाँ से चम्मच की हेल्प से मैं जो चाय पत्ती को ऐसे दबा दबा कर अच्छी तरह से निकाल रही हूँ उससे। तो अभी बस अभी चाय बन गई है मेरी। मैं ना बहुत कंजूस हूँ, मैं टी बैग को अच्छी तरह स्क्वीज़ करके उससे चाय निकाल रही हूँ। और ना मैं बच्चों को भी चाय देती हूँ, चाय तो बहुत कम होती है, वैसे तो मैं उसके अंदर सारा दूध ही मिक्स कर देती हूँ, लेकिन बच्चों को थोड़ा ऐसे हो जाता है ना कि हम लोग भी चाय पी रहे हैं, तो लेकिन वैसे तो वो ज़्यादा तो दूध ही होता है उसके अंदर, चाय तो बहुत कम होती है। और बस अभी मैं चाय छान रही हूँ, चाय छान लूँगी और हम लोग अपनी चाय टाइम इंजॉय करेंगे। देखती हूँ अगर हमारे पिज़्ज़ा बाइट रेडी है कि नहीं। और साथ ही के साथ मैं किचन काउंटर भी क्लीन कर दूंगी अगर चाय वगैरह गिर जाती है तो, नहीं तो गंदा सा लगता है अगर क्लीन नहीं करते हैं हम साथ ही के साथ। लेकिन आज मुझे शांति है, शाम को मुझे कुछ भी नहीं बनाना है डिनर में, डिनर के लिए मैं ऑल सेट हूँ। मेरे पास थोड़ी सी दाल पड़ी है तो उसी के साथ हमारा चल जाएगा डिनर में। तो बच्चों के लिए देखूँगी, क्योंकि बच्चों को तो मुझे पता है वो लोग तो दाल नहीं खाएंगे। और यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा बाइट भी रेडी हो गए हैं, तो हम लोग अपनी चाय इंजॉय करते हैं पिज़्ज़ा बाइट के साथ। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चाय इंजॉय कीजिए। तो चलिए आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। तो अब मिलूँगी आपको कल, तो अपना ध्यान रखिएगा और अपने आसपास का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।